हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वॉर्टेक्स। और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एक डेटिंग ऐप को जिसका नाम है वीला ऐप। तो वीला ऐप जो है सच में इसका यूजर इंटरफेस काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा जो वीला ऐप इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आप लोगों को देखने तो अच्छे मिलते हैं लेकिन इसका कई सारी बुराइयां भी है, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में इस वीडियो में यूज करके भी बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन हम लोगों के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद होने वाला है और कितने ज्यादा ये हम लोगों के लिए नुकसान भी होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको वीला ऐप की फुल इंफॉर्मेशन भी मिल सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीला ऐप जब आप लोग ओपन करोगे फर्स्ट टाइम तो आपके सामने पहले लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप साइन अप हो सकते हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दो फीचर्स मिलते हैं, हॉट का, नियर बाई का। नियर बाई पर आओगे तो आपको यहाँ पे सारे ये वही प्रोफाइल्स होगी जो आपके आसपास में बनी हो, और साथ में यहाँ पे हॉट में आप लोगों को वही सारी प्रोफाइल्स होगी जो वर्ल्ड वाइड बनी हो। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे अलग अलग कंट्रीज के नेम, जिस पर आप क्लिक कर अलग अलग कंट्री के लोगों से बातें कर सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को वीला ऐप की सारे डिटेल्स बताने वाला हूँ कि एप्लीकेशन फेक या फ्रॉड है, तो देखते रहेगा इस वीडियो को कंप्लीट। सेकंड वाले ऑप्शन पे आते हैं और सेकंड वाले ऑप्शन को भी आके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखने को मिलती है लाइव का, जो लोग लाइव आते हैं वो उनका यहाँ पर प्रोफाइल्स हो जाता है। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कैसा ये परफॉर्म करने वाला है। ऊपर में देख सकते हो मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है और जस्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे और भी लोगों का जो भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी कितने लोग ऑनलाइन हैं, तो देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि लाइव आए हैं। तो इनसे कॉल वगैरह करना चाहते हो तो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा जो यहाँ पे वीडियो कॉल का ऑप्शन बना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे एक कॉल पे क्लिक करता हूँ, जैसा पहला ही वाला कोई सेलेक्ट करता हूँ। देख सकते हो इधर से कॉल जा रहा है लेकिन कॉल नहीं जाएगा, बीच में ही रुक जाएगा जब तक मैं इसमें रिचार्ज नहीं कर लेता हूँ। रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिचार्ज तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप गूगल पे से ही रिचार्ज करो या जेम्स के थ्रू रिचार्ज करो। तो गूगल पे से रिचार्ज करना चाहते हो तो आप लोगों को रियल मनी देना पड़ेगा, और अगर आप जेम्स रिचार्ज करना चाहते हो तो आप लोगों को जेम्स ही देने पड़ेंगे, जो फ्री में भी जेम्स अर्न कर सकते हो। रिचार्ज करने का जो प्लान है वो तीन है, एक वन मंथ का है, थ्री मंथ का है, सिक्स मंथ का है। तो मैं वैसे आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा रिचार्ज करो, अगर आप एक बार रिचार्ज कर लेते हो तो आपके अकाउंट से बार बार अगले मंथ फिर से पैसे कट हो जाएंगे। रिचार्ज करने का इन लोगों का जो सुविधा दिया जा रहा है वह दिया जा रहा है कि आप फ्री में टेक्स्ट चैट कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड लोगों से मीट कर सकते हो, और साथ ही में आप के प्रोफाइल पे जितने विजिटर विजिट करेंगे उन्हें भी आप देख सकते हो, और एडवर्टाइजमेंट भी बिल्कुल नहीं आएगी। ट्रांसलेशन फंक्शन मिलता है जो अलग अलग अगर लैंग्वेज में कोई बातें करता है तो ट्रांसलेट ऑटोमेटिक से हो जाएगी। साथ में वॉइस कॉल और वीडियो कॉल भी फ्री में कर सकते हो। लास्ट में आप लोगों को मिलती है यहाँ पे हाई का मैसेज, अनलिमिटेड आप चाहो तो हाई का मैसेज सेंड कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जेम्स आप कैसे फ्री में अर्न करोगे और जेम्स को फ्री में अर्न करके कैसे आप फ्री में ही रिचार्ज करोगे। तो वेल फ्रेंड आप वीडियो को देखते रहिएगा कंप्लीट। जेम्स से रिचार्ज करने के लिए आप लोगों को आना होगा यहाँ पे फिफ्थ वाले ऑप्शन पे। फिफ्थ वाले ऑप्शन पे आप लोगों को ज्यादा चीज देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे आप लोगों का आपका प्रोफाइल देखने को मिलेगा, उसकी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। वैलेट में आकर आप यहीं से भी रिचार्ज करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे आप लोगों को अगर करना होगा तो यहीं से भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप जेम्स के थ्रू रिचार्ज करना चाहते हो तो पहले आप लोगों को जेम्स को भी अर्न करना होगा। जेम्स फ्री में अर्न कर सकते हो, कैसे अर्न करना मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। जो ये ऑप्शन देखने को मिलती है फ्री जेम्स, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रही है, एक स्पेशल ऑफर का, इस पे आप क्लिक करते हो तो थोड़ी देर में लोडिंग हो जाएगी। जैसे लोडिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप लोगों के सामने ढेर सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड करोगे तो उसके बदले में आप लोगों को कुछ रिवॉर्ड के तौर पे जेम्स दिए जाते हैं, और उन जेम्स को अर्न कर आप रिचार्ज कर सकते हो। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके फ्री वीडियोज पे वीडियो को वॉच कर सकते हो और उसके बदले में जेम्स को अर्न कर सकते हो, वैसे आप करके देख लेना, और उन जेम्स से आप यहीं पे क्लिक करके रिडीम भी कर सकते हो। तो खैर मैं चलता हूँ बैक। यहाँ पे मिलती है आप लोगों को एक और ऑप्शन लकी स्पिन का। लकी स्पिन पे आप जैसे क्लिक करते हो आप चाहो तो स्पिनिंग का कर फिर यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड जीत सकते हो। तो स्पिन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं कुछ टाइम्स, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास अभी 10 times है, तो 10 chances में मैं जितना चाहूँ उतना स्पिनिंग कर सकता हूँ, बस 10 chances ही कर सकता हूँ। तो बैक आते हैं, एक और ऑप्शन मिल जाती है ऐड ईमेल। जब आप इस पर क्लिक कर अपने ईमेल को ऐड करते हो तो आप लोगों को 100 diamonds मिलेंगे फ्री में। तो फ्री में आप 100 diamonds पा सकते हो रिवॉर्ड के तौर पे अगर आप ईमेल ऐड करते हो, या पहले से किए तो आप लोगों को मिल भी गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन पे। फोर्थ वाले ऑप्शन पे ज़्यादा चीज़ आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, जिन जिन लोगों से आप चैटिंग किए उनका यहाँ पे लिस्ट होगा, और जो लोग भी आप लोगों को लाइक करेंगे उनकी यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन आपको लाइक किया है, और जिनको आप लाइक करोगे उनको यहाँ पे आप
आप देख सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे आता हूँ थर्ड वाले ऑप्शन पे। थर्ड वाले ऑप्शन पे आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल शो हो जाएगी, जो भी स्टार हैं इन लोगों का कहना है, और ऊपर में आप लोगों को अलग अलग कंट्रीज शो हो जाएगी और यहाँ पे आप लोगों को उनकी प्रोफाइल शो हो जाएगी। जैसा मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर में एक छोटा सा वीडियो प्ले हो रहा है। तो ये जो वीडियो है आप खुद ही देख सकते हो कि बिल्कुल फेक है। और वैसे आप कॉल करना चाहो तो यहीं से आप कॉल भी कर सकते हो, वीडियो कॉल करना चाहो तो यहीं से आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, चैट करना चाहो तो आप यहीं से चैटिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे उनके डिटेल्स वगैरह भी देख सकते हो। चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को कॉल करके दिखाता हूँ। जैसा मैं आप कॉल करता हूँ, वॉइस कॉल तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो वीडियो कॉल को छोड़ ही दो। तो देख सकते हो यहाँ पे वॉइस कॉल मैंने किया है, कनेक्टिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिचार्ज करने के लिए बोल रहा है। खैर आप जब तक रिचार्ज नहीं करोगे तब तक आप किसी से बातें नहीं कर सकते। देख सकते हो मैंने वॉइस कॉल को कट कर दिया, क्योंकि कॉल तो जा ही नहीं रहे, तो वीडियो कॉल को तो छोड़ दो, वीडियो कॉल तो जाएगी ही नहीं। तो मैं यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे आता हूँ। सेकंड वाले ऑप्शन पे वही होगा, अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को ये लाइव आकर देखने को मिल जाएंगे, जो मैं आप लोगों को शायद बता भी दिया हूँ, आप स्टार्टिंग में देखा होगा। फर्स्ट वाले पे आते हैं। फर्स्ट वाले में आप लोगों को देखने को मिल जाती है यहाँ पे एक दो ऑप्शन, एक हॉट का, एक नियर बाई का। नियर बाई पे आप आओगे तो आपके आसपास में जितने लोग भी वीला ऐप को यूज कर रहे हैं उनका प्रोफाइल यहाँ पे शो हो जाएगी। और पहले वाले पे आप आओगे हॉट वाले पे, तो यहाँ पे आप लोगों का अलग अलग कंट्रीज शो हो जाएंगे और यहाँ पे अलग अलग आप लोगों को प्रोफाइल्स हो जाएगी, जिनसे आप बात करना चाहो। तो उसके लिए भी आप लोगों को बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखने को मिल जाती है इनकी प्रोफाइल। अगर आप यहाँ से भी कॉल करोगे तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन से एक डाउट तो हट गया होगा, इस ऐप में जितने भी फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं वो तो अच्छे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस ऐप का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वह इस ऐप का सब्सक्रिप्शन पैक। यानी इसमें आप लोगों को जितने भी फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं उस पर सारे पर लॉक लगा होता है। जब तक आप लोग विला ऐप का सब्सक्रिप्शन पैक को नहीं परचेस कर लेते तब तक इस ऐप को जितने भी फीचर्स वगैरह हैं उससे आप यूज नहीं कर सकते, किसी बातें नहीं कर सकते। यही चीज आप लोगों को सबसे बेकार देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना बस यही है कि इस ऐप में आप लोग सब्सक्रिप्शन पैक को मत परचेस कीजिएगा। ये ऐप आप लोगों के साथ फ्रॉड कर सकती है। जो लोग परचेस करना चाहते हैं वो लोग परचेस कर सकती हैं, और जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो लोग सेफली ना ही कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप लोग एक बार सब्सक्रिप्शन पैक को परचेस कर लिए तो अगले मंथ ऑटोमेटिक से परचेस हो जाएगा और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। ऐसे आपका जो बैंक अकाउंट है पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, जो विला ऐप है इसका एक अल्टरनेटिव ऐप है जिसका नाम है मीमी ऐप। तो मीमी ऐप का जो भी यूजर इंटरफेस, जो भी फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं सारे सेम देखने को मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है वो डिफरेंट देखने को मिलता है। चलिए इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।